YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। मेदिनीनगर नगर परिषद की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन कार्यालय भवन में किया गया। शिविर का उद्घाटन बतौर अतिथि कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव ने रक्तदान कर किया। इस मौके पर परिषद अध्यक्ष पूनम सिंह, रेडक्रॉस सोसाइटी सचिव डॉक्टर सत्यजीत गुप्त और कई वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। शिविर में काफी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। वहीं रक्तदान कर कार्यपालक पदाधिकारी काफी खुश नजर आए, कहा कि रक्तदान पुण्य का काम है, इससे संकट की घड़ी में किसी मरीज की जान बचाई जा सकती है। नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील भी उन्होंने शहरवासियों से की। वहीं नगर अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान महादान के समान है, इससे किसी भी तरह की कमजोरी नहीं होती, सेहतमंद व्यक्ति के लिए यह कहीं से भी नुकसानदेह नहीं है। कहा कि मानवता के नाते 3 महीने के अंतराल पर रक्तदान किया जा सकता है। कार्यालय में किया है और हमेशा से चाहते थे कि रक्तदान करें और ये मेरा पहला अनुभव है कि आज मैंने रक्तदान किया है और ये प्रेरणा भी हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा ही प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पे रक्तदान किया था। मैं उसी दिन से सोच रहा था कि ऐसा कोई भी मैं कार्यक्रम करूँ। रेडक्रॉस के लोगों से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा कि सर एक शिविर कर लिया जाए, तो इसी में हम लोगों ने रक्तदान किया है और ये बहुत अच्छा अनुभव है। पहली बार रक्तदान देने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है और हम आम नागरिकों से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी रक्तदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। इस कार्य में हमारे खून से किसी का लाभ हो सकता है, किसी जरूरतमंद को लाभ। रक्तदान करने से कैसा महसूस होता है सर अपने? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है रक्तदान करने से और ये मेरा पहला अनुभव था। अब हम रेगुलर बेसिस पर रक्तदान करेंगे और लोगों को प्रेरित भी करेंगे। रक्तदान महादान कहा जाता है और आज नगर निगम में जो रक्तदान का कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही मतलब अच्छा कार्यक्रम है और ये हमेशा होना चाहिए। लोगों में जो ये भावना होती है कि रक्त देने से खून की कमी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीना में हमेशा रक्तदान कर सकते हैं और खून को नया पुरान करने में ज़्यादा अच्छा रहता है और इस खून से हम किसी का जान बचा सकते हैं। आज भेदभाव जाति पाति पर लोग रहते हैं, आज किसी को ब्लड देने से लेने से पहले तो नहीं पता चलता है कि हम हिंदू का ब्लड चढ़ा रहे हैं कि मुस्लिम का चढ़ा रहे हैं कि सिख का कि ईसाई का। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और बहुत से गरीब ऐसे हैं जो ब्लड के कमी से उनकी जान चली जाती है, तो ऐसे में ये दान सबको करना चाहिए। महादान, रक्तदान महादान और सभी को करना चाहिए।